आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नरेंद्र मोदी लेंगे दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ, मोदी मंत्रिमंडल भी लेगा आकार। बीमारी से जूझ रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली का मोदी को पत्र, मुझे मंत्री बनाने पर विचार न करें। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुआ किसान आंदोलन, सरकार ने किसानों के एक धड़े को साधा, कहा हर समस्या का होगा निदान। कमलनाथ करने वाले हैं घोटालों का खुलासा, इसीलिए आयकर छापे की कार्रवाई की जानकारी को किया गया सार्वजनिक। और कहीं मिला नशीली दवाओं का जखीरा, तो कहीं कलेक्टर ने चलाई जेसीबी की नाले की सफाई। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस समारोह में करीब 6500 मेहमान शिरकत कर सकते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की शपथ में करीब 5000 मेहमान पहुंचे थे। ये चौथी बार है जब राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ समारोह से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मैराथन बैठक हुई। माना जा रहा है इसमें मोदी मंत्रिमंडल को अंतिम रूप दिया गया। मोदी के शपथ समारोह के लिए मेहमानों की लिस्ट के अलावा हर किसी की नजर मंत्रिमंडल पर है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि लेकिन किसी का भी नाम फिक्स नहीं दिखा। मंगलवार और बुधवार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच लंबी बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों के नाम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ विदेशी बल्कि देश की भी कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, पेंडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण सामी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नाम ऐसे हैं जो विपक्षी नेता होने के बाद भी शपथ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सभी बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, कमल हासन और नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इस बार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों को छोड़ बिम्स्टेक देशों के प्रमुख को बुलाया गया है। अभी तक ये तय है कि नेपाल, भूटान, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार के राष्ट्रपति, थाईलैंड, किर्गिस्तान के प्रमुख भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। पिछली बार सार्क देशों के प्रमुख शामिल हुए थे जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जेडीयू और शिवसेना के कोटे से दो दो मंत्री शामिल होंगे। इसमें एक कैबिनेट और एक स्वतंत्र प्रभार का पद होगा। इसके अलावा अकाली दल से एक कैबिनेट मंत्री, अपना दल से अनुप्रिया पटेल को जगह मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रिमंडल पर माथापच्ची तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। बता दें कि बिहार में इस बार जेडीयू ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया है जबकि एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली हैं। बीमारी से जूझ रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मैं पिछले 18 महीने से बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे मंत्री ना बनाने पर विचार करें। जेटली ने लिखा है कि आपकी अगुवाई में 5 साल काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। इससे पहले भी एनडीए सरकार ने मुझे जिम्मेदारियां दी गई। सरकार के अलावा संगठन और विपक्ष के नेता के रूप में मुझे अहम जिम्मेदारियों से नवाजा गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। खराब सेहत का हवाला देते हुए अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, पिछले 18 महीनों से मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब जब आप केदारनाथ जा रहे थे तब मैंने आपको औपचारिक तौर पर कहा था कि स्वास्थ्य कारणों से मैं भविष्य में कोई भी जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ रहूंगा। मुझे अपने इलाज और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बीजेपी और एनडीए ने अपने नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की है। जेटली ने लिखा, मैं आपसे औपचारिक रूप से अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूं कि मुझे अपने इलाज और स्वास्थ्य के लिए उचित समय चाहिए और इसीलिए मैं नई सरकार में किसी भी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। इसके बाद निश्चित तौर पर मेरे पास काफी समय होगा जिसमें मैं अनौपचारिक रूप से सरकार या पार्टी में कोई भी सहयोग कर सकता हूं।
अरुण जेटली का पिछले साल मई में किडनी प्रत्यारोपण हुआ था। इसके बाद जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया है, जिसकी सर्जरी के लिए वह इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। फिलहाल वह कीमो के दौर में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण जेटली बेहद कमजोर हो गए हैं। पिछले हफ्ते उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज हुआ था। खबर भुवनेश्वर से, नवीन पटनायक ने पांचवी बार ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली। मजे की बात यह रही कि नवीन पटनायक लगातार पांचवी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं। बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने पांचवी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। बुधवार को राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने नवीन पटनायक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बीजत की तरफ से विशेष तौर पर निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो सके। समारोह में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं मेक इन ओडिशा के भाग लेने वाले देश के मुख्य उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया गया था। वहीं नवीन पटनायक की बहन और मशहूर लेखिका गीता मेहता भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद थी। अपने करीबियों पर पड़े आयकर छापों और पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ सामने आए। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही कई बड़े घोटालों के खुलासे करने जा रही है, ऐसे में इससे ध्यान भटकाने के लिए आयकर छापे की कार्यवाही की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने कहा कि छापे में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें मैं नहीं जानता, इससे जुड़े दस्तावेज कैसे सार्वजनिक हुए इसकी भी जांच होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने मध्य प्रदेश में 281 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया था। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग जल्द ही इस मामले में कमलनाथ के रिश्तेदारों व सहयोगियों को पेश होने के लिए नोटिस जारी करेगी। ये लोग भोपाल व छिंदवाड़ा में हैं। पिछले महीने दिल्ली और मध्य प्रदेश में आयकर विभाग ने 52 स्थानों पर छापे मारे थे। इस कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग ने चुनाव आयोग को सौंप दी थी। छापेमारी के दौरान मिली डायरियों में प्रदेश के कई नेताओं के राज छुपे हैं। इनमें कई व्यक्तियों के नकदी लेन देन का उल्लेख है। एक डायरी में 240 करोड़ रुपए की नकदी लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने 281 करोड़ रुपए का हवाला फंड का भंडाफोड़ किया था। विभाग ने पिछले महीने इस मामले में एनसीआर में एक सोलर पावर ग्रुप पर भी छापेमारी कार्रवाई की थी। 1350 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी थी। अप्रैल में हुई आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारियों के बाद इकट्ठा किए गए सबूत और रिपोर्ट सीबीआई को भेज दिए गए हैं। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर कमलनाथ ने इस सब को राजनीतिक साजिश करार दिया है। I want to say that only some channels who from where they have got this they have not disclosed. Whose voice it is not disclosed. Nothing has been disclosed. And where those statements, where those accounts have been recovered, have it been disclosed from where has it been recovered? They say people connected with Mr. Kamalnath. What I know is that where they have been recovered from, I do not know these people. I've never seen their face. And that it's being projected with what motive the country understands. The country understands ki kis क्या कारण है इसको इस तरह प्रोजेक्ट करने का और कौन से चैनल इसे प्रचारित कर रहे हैं। ये तो खुली बात है, आप जानते हैं, सब जानते हैं, देश जानता है। पर इसमें ये जो बात नहीं कहा जा रही कि जो ये अकाउंट का कुछ दिखाएंगे, ये किसके यहां से मिला है, क्या उसका क्या संबंध था कमलनाथ से, ये बात तो कभी कहेंगे नहीं। दिखा देंगे ये कागज, इसमें जो कानूनी कार्रवाई हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने चुनाव आयोग को जो साक्ष्य और जांच रिपोर्ट सौंपी है, वह हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 11 कांग्रेस प्रत्याशियों को कथित तौर पर भारी रकम ट्रांसफर किए जाने की ओर इशारा करती है। आरोप ये भी है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 20 करोड़ रुपए की रकम का भुगतान किया गया। जांचकर्ता में रिकॉर्ड से पता चला है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार भोपाल से चुनाव लड़ने वाले दिग्विजय सिंह उन प्रत्याशियों की सूची में शीर्ष पर हैं, जिन्हें तलाशी अभियान की जद में आए लोगों से चुनाव के लिए फंड मिले थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गाजियाबाद में बेटे बकुलनाथ की जमीन आवंटन रद्द करने से जुड़े सवाल पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है। मौके पर जो भी निर्माण हुआ है वो 3 दशक पुराना है, ऐसे में राजनीतिक द्वेष की वजह से इसे तूल दिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में किसान यूनियन की किसान हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिला। कई जगह सब्जी और दूध की सप्लाई प्रभावित हुई। किसान सड़कों पर बैठे नजर आए तो कहीं दूध फैलाया गया, कहीं सब्जियां सड़क पर रख दी गई। यूनियन और सरकार के बीच एक दौर की बातचीत बेनतीजा रही। वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से बातचीत के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में किसान यूनियन की किसान हड़ताल का आंशिक असर सामने आया। यूनियन से जुड़े तमाम किसान आज मंडियों तक नहीं पहुंचे। सरकार के साथ यूनियन की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसान सड़कों पर आ गए। भोपाल, मालवा, बुंदेलखंड इलाके में यूनियन से जुड़े किसानों ने कहीं सड़कों पर दूध फैलाया तो कहीं दूध से स्नान किया और सड़कों पर सब्जियां रख के प्रदर्शन किया। यूनियन के नेताओं का आरोप है कि किसानों के मसले पर कमलनाथ सरकार झूठ बोल रही है, जिसके कारण किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। आंदोलनकारी किसान जगह जगह जय जवान जय किसान के नारे लगाते नजर आए। मेरी ये ककड़ी रुपए किलो बिक रही है, ये बिचौली 40 रुपए बेच रहा है, ये 1 रुपए मंडी बिक रही है, ये 15 रुपए मार्केट बिक रही है। गेहूं का मेरे 160 रुपए बोनस का ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बोला था है। और 2 लाख रुपए जो कर्ज माफी करनी थी वो भी नहीं करी। बैंक वाले मेरे चक्कर काट रहे, परेशान कर रहे हैं मुझे। मुझे कौन हिम्मत है, मगर मेरे यूनियन वालों ने कहा आत्महत्या मत करिए। अपन आंदोलन करते हैं, अपन डिमांड रखते हैं, अपन धरने पे बैठते हैं, शायद गवर्नमेंट अब भी सुन ले, सबकी सुनती है। तो मैं इसलिए 45 अप्रैल में धरने पे बैठा हूँ, शायद गवर्नमेंट सुन ले। गवर्नमेंट बहरी है, अंधी है, इसको सुनाई नहीं देता किसानों के बारे में। किसानों का शोषण कर रही है गवर्नमेंट, कि किसानों की मांग कब सुनेगी। और अगर इसने मांग नहीं सुनी, हम आंदोलन को उग्र करेंगे। बनी है कि आज पहला दिन है और आंशिक तरीके से हम कर रहे हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ का है बचा नहीं रहा, जिससे कि आसानी फैले। हर लाइसेंस में भी आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने, भावांतर का लंबित भुगतान और कर्ज माफी सहित किसानों की अन्य समस्याओं के समर्थन में हड़ताल पर है। पहले दिन हड़ताल का आंशिक असर रहा। किसानों के इस हड़ताल ने सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है, तो तत्काल उसने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि पिछले 5 महीने से सरकार किसानों के उत्थान और कर्ज माफी की बात कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर किसका उत्थान और कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ। चुनाव से पहले सरकार ने 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वायदा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर किसानों का कर्जा माफ हुआ है तो उन्हें नोटिस बैंकों द्वारा क्यों भेजे जा रहे हैं? किसान आज भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एक तरफ किसान यूनियन से जुड़े किसान हड़ताल पर गए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक्टिव होना पड़ा और उन्होंने दूसरे हड़ताल पर जाने वाले संगठन किसान मजदूर महासंघ से बातचीत कर उसे आंदोलन वापस लेने पर राजी कर लिया। कमलनाथ ने महासंघ के नेताओं और कुछ किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के निपटारे का आश्वासन दिया और इसके लिए एक समिति बनाने की घोषणा भी की। किसान यूनियन के आंदोलन से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई थी। कृषि मंत्री किसान यूनियन को हैंडल नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को मैदान में आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने हड़ताल पर जाने वाले दूसरे संगठन किसान मजदूर महासंघ के नेता शिव कुमार शर्मा और उनसे जुड़े किसानों के साथ बड़ी मीटिंग की और सिलसिलेवार उन्हें सरकार की मंशा से अवगत कराया और उनकी समस्याओं को समझा। इसके बाद किसानों से जुड़े मसले के लिए एक समिति बनाने जाने पर दोनों पक्षों की सहमति हुई। भोपाल के समन्वय भवन में मुख्यमंत्री के साथ किसानों की चर्चा के बाद किसान मजदूर महासंघ अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद सरकार ने राहत की सांस ली। करिए राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिन्होंने घोषणा करी थी कि वह आंदोलन पर जा रहे हैं, उनकी चर्चा के बाद अभी उन्होंने घोषणा करी है कि ये आंदोलन ये वापस ले रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि हम राज्य स्तर की एक समिति बनाएंगे, निराकरण समिति बनाएंगे, जो किसान और सरकार के बीच में समन्वय और क्या उनकी मांगें हैं, क्या उनकी कठिनाइयां हैं। अरे मुझे दिख नहीं रहा, अंदर करो।
कमलनाथ ने कहा कि हम किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार समिति बना रही है, जिसकी अनुशंसा पर किसान हितैषी फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्ज माफी के अलावा किसानों के अन्य मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कृषि मंत्री सचिन यादव, वित्त मंत्री तरुण भनोत के अलावा कई विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक निराकरण समिति भी बनाई जाएगी, जो तय वक्त के अंदर इस मसले को हल करेगी। बैठक में संगठन ने किसानों के मुद्दे पर 7 दिन का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग रखी है और भूमि अधिग्रहण कानून खत्म करने की मांग भी की है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन पर बीजेपी ने कहा किसानों के लिए कांग्रेस सरकार परेशानी की सरकार बन गई है। ना तो 2 लाख कर्ज माफ हो रहा है और ना गेहूं का बोनस मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा जिस दिन किसानों ने कांग्रेस को वोट दिया था उस दिन से ही किसान परेशान है। अब तो न किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ हो रहा है, न गेहूं का बोनस मिल रहा है। बुजुर्गों, महिलाओं और किसानों की जिसने चिंता की वो शिवराज सिंह चौहान है। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस सरकार को परेशानी की सरकार बताया। बेटियों को, बुजुर्गों को, अपाहिजों को, हर वर्ग की जिसने चिंता की, उस व्यक्ति का नाम है शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब किसान को ना तो 2 लाख का कर्ज माफ हुआ, ना समय पर बेचा हुआ गेहूं का बोनस का पैसा आया, भावांतर का पैसे का तो सपना ही टूट गया। इसलिए किसान भी परेशान है, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश परेशान है, जन जन परेशान है और कमलनाथ जी की सरकार से कांग्रेसी भी परेशान है और ये कुल मिलाकर परेशानियों की सरकार। भीषण गर्मी के चलते मध्य प्रदेश में जल संकट खड़ा हो गया है। पानी को लेकर हाहाकार मचे इसके पहले ही सरकार ने फौरी तौर पर कुछ इंतजाम किए हैं। सरकार का मानना है कि मानसून के आने के बाद स्थितियां कुछ ठीक हो जाएंगी। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई इलाके जल संकट से जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड में तो सूखे जैसे हालात हैं। मालवा, विंध्य और महाकौशल में भी पानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में भीषण गर्मी ने जल स्रोतों को सुखा दिया है। सरकार ने पानी के लिए जो कुछ इंतजाम किए हैं वो सिर्फ काम चलाऊ है। पानी की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश सरकार में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि सूखे को लेकर मध्य प्रदेश में विभाग ने काफी सारे इंतजाम किए हैं, अभी पानी को बचाना सबसे बड़ा काम है। देखिए, विगत वर्षों में लगातार वर्षा कम हुई है, न तो डैम भर पाए, न तालाब, और वाटर लेवल नीचे गिर गया। जहाँ 200-300 फीट पर बोर कराते थे पानी लग जाता था, लेकिन अब 1000 फीट पर भी पानी नहीं मिल पाता है, चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने वृहद स्तर पर कल हमारे विभाग के द्वारा ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रिचार्जिंग के लिए एक कार्यशाला आयोजित की थी, उसका चिंतन मनन किया और कैसे हम पानी को रोक सके ताकि हमारा जल स्तर ऊपर उठ सके, उस पर हमारा विभाग काम कर रहा जो लंबे समय के लिए। सुखदेव पांसे का कहना है कि पानी के संसाधनों से पानी की सप्लाई उचित और पर्याप्त मात्रा में की जा रही है। इसके अलावा निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण आवश्यकता अनुसार किया जा रहा है। प्रदेश में पानी बचाने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पांसे का मानना है 15 जून को मानसून के आने के बाद पानी की समस्या कम हो जाएगी। रीवा में गुरु कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डिलीवरी के पश्चात पर्चे में 2 दिन बाद की डेट डालकर डिस्चार्ज किए जाने का मामला सामने आया है। दस्तावेज के मुताबिक प्रसूता को समय से 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया, राशि जमा कर ली गई। रीवा शहर के कला मंदिर रोड स्थित गुरु कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डिलीवरी के बाद डिस्चार्ज करने में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मिले दस्तावेज के मुताबिक गुरु कृपा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एक प्रसूता को समय से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया और उसे जबरन घर भेज दिया गया, जबकि जो दस्तावेज, बिल और बाउचर दिए गए हैं उनमें 2 दिन बाद की दिनांक डाली गई है। आप पहले हमें वो ला के दें कि कहाँ 29 तारीख तक, कहाँ लिखा है कि 29 तारीख तक का उसका डिलीवरी। एक पेशेंट की जानकारी है, आप हमें बिल में दिखाएं तो आप भाई कोई मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ कर सकता है उसको, आप पहले हमें ला के दिखा दें।
और इतना ड्रिंक और हम आपको बात बता देंगे, तो सीधी बात है, हम बेटी से बिल्कुल नहीं करते। ऐसा नहीं हुआ इस पेशेंट के लिए, है ना, इस पेशेंट में भी ऐसा नहीं हुआ। कब हुआ उसका ऑपरेशन, कब हुआ उसका ऑपरेशन आप बताएं। 23 को ही ऑपरेशन हुआ उसका, 24, 25, 26, 27 तक तो उसका पूरा हुआ। तो पेशेंट अगर जाना चाहता है फिफ्थ डे जाना चाहता है तो फिफ्थ डे भी डिस्चार्ज हो सकता है, और सेवन्थ डे भी डिस्चार्ज हो सकता है। अगर स्टिच निकलवा के जाना चाहता है तो स्टिच निकलवा के भी जा सकता है। वो सब सब लोग देखते हैं, मैंने देखा। उन्होंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि हम 9 बजे तक डिलीवरी करेंगे, उसके बाद जब 9 बजे डिलीवरी होने का टाइम आया तो उन्होंने बोला कि अभी अभी टाइम है थोड़ा, दो चार दिन बाद आए। उसके बाद मैं टेस्ट करी तो कोई ट्रीटमेंट करवाने की, पेट में मेरे दर्द हो रहा है, तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि अभी बच्चा नीचे नहीं आया, 2 दिन बाद आएगा। 2 दिन बाद मैं गई, पर उसके एक दिन पहले मेरे रात में ही बहुत जोर से पेन था, पूरी रात पेन हुआ और सुबह भी हुआ, इसलिए डिस्कोल किया दोबारा चेक करवा देंगे। उससे पहले उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप करवाना चाहते हैं कि नहीं। और ऑपरेशन के बाद से मुझे दूसरे दिन से आई दिन पेन होता रहता है, मुझे उठने में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने छुट्टी ली, उन्होंने ही बोला कि आप छुट्टी ले सकते हैं, आप आपका कंप्लीट हो चुका है ट्रीटमेंट, आप चले जाइए। सर मुझे दिक्कत है बस, मुझे जो ऑपरेशन हुआ है उसको लेकर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मैं कोई भी अपना काम कर नहीं पाती हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे तक को भी नहीं ले पाती हूँ। सर ये गुरु आज गुरु कृपा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में हमारे बहू का ट्रीटमेंट चल रहा है, विगत 1 वर्ष से लगभग इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर मधु जयंती है। तो डिलीवरी करते समय मतलब इन्होंने 1 वर्ष से लगातार लगभग ट्रीटमेंट में मेरा 1.5 से 2 लाख रुपये मतलब खर्च कर रहा है, और मैं मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि सर मेरे पैसे जो लूटे गए हैं वो लूटे हुए पैसे मुझे दिलाया जाए, ये क्लिनिक नहीं है, ये लूट सेंटर है। सतना जिले के बेला के पास से आने वाली एक महिला को रात में लगभग 8 बजे डिस्चार्ज कर जबरन उसे घर भेज दिया गया, जबकि उसका पति व घर के अन्य कोई भी सदस्य वहां नहीं थे। डिस्चार्ज किए गए दस्तावेज व बिल वाउचर में 29 मई की तारीख दर्ज की गई है, जबकि प्रसूता को 27 मई को रात में डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसे में 3 और मामले सामने आए हैं जिनमें इस तरह की गड़बड़ी पाई गई है। इतना ही नहीं, डिस्चार्ज के दौरान 29 तारीख तक की राशि भी जमा करा ली गई है। हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर मधु जैन का कहना है कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इनका अंकिता तिवारी को जो कि 23 को भर्ती हुई थी और आपके बताए सब 27 को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन इसमें डेट 29/5 पड़ी हुई है जो कि गलत है। 29/5 आगे के लिए डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, डिस्चार्ज तो आज के दिन में होगा, इसके पहले किया गया होगा निश्चित तौर। आपके अनुसार कि इनको 27 को डिस्चार्ज कर दिया गया, अब इसमें डेट 29/5 पड़ी हुई है बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता। ये तो ऐसा कैसे हुआ हम इसे स्पष्टीकरण मांगते, कैसा क्यों किया, जानबूझ के किया या मानवीय त्रुटि से हुआ, ये हमको भी जानकारी है, हम उनसे जानकारी लेते हैं, लेकिन किसी भी ये पेपर में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। बिलासपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस की छापामार कार्रवाई में 55 पेटी नशीली दवाओं के साथ 72 सोना कॉरेक्स बरामद किया गया है। पकड़ी गई नशीली दवाओं की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बिलासपुर पुलिस को नशीली दवाई का जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जाराभाटा मिनी बस्ती में नशीली दवा का कारोबार करने वाले एक सप्लायर संजय भास्कर के यहां से बड़ी मात्रा में नशीली दवाई और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि और भी लोग इस नशे के कारोबार में जुड़े हुए हैं और माल सप्लाई करते हैं। सिविल लाइंस पुलिस ने बताया कि पते पर छापा मार कार्रवाई करते हुए अन्य 3 लोगों को धर दबोचा गया है। उनके पास से भी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद हुई है। छापामार कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने 55 पेटी नशीले पदार्थ के साथ 7200 नग कोरेस बरामद किया है। पुलिस ने सील पैक बोतल नशीली पदार्थों के जखीरे के साथ 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़ी गई नशीली दवाओं की कीमत लगभग 10 लाख आंकी जा रही है। इन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो लगातार संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ रहे थे और उन संपत्ति संबंधी अपराधों में जितने भी अपराधी पकड़े जाते थे ज़्यादातर देखा गया कि बहुत से उनमें नाबालिग होते थे,
और जब भी पकड़े जाते थे ज़्यादातर समय नशे की हालत में ही मिलते थे। इसी को देखते हुए शहर के सभी थाना प्रभारियों को नशे पे भारी क्रैकडाउन करने के लिए बताया गया था। इसी क्रम में सिविल लाइन थाने को आज एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित जो ये दवाइयाँ हैं जो प्रतिबंधित रूप से जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं उसके बावजूद ये खुले में बिना किसी लाइसेंस के बेची जा रही थी, उनका एक बहुत बड़ा जखीरा जब्त किया है। करीबन 55 पेटी कोडीन सिरप इन्होंने को मिला है जो इन्होंने जब्त किया है, जिसमें करीबन 7200 बोटल्स हैं। टोटल सामान की कीमत करीबन 10 लाख है और इनको सप्लाई करने वाले जो नीचे का नेटवर्क रहता है उसके साथ में जो उसको सप्लायर्स भी हैं ऊपर से जो इनको अवेलेबल कराते हैं उनको भी पकड़ा गया है। इसमें अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अभी आगे की पूछताछ में जो बड़े और इसमें शामिल लोग मिलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रीवा स्थित बाण सागर नहर सिंचाई परियोजना कार्यालय में अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन सरकारी अमला सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। रीवा स्थित बाण सागर नहर सिंचाई परियोजना कार्यालय से अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे जब कार्यालय का मुआयना किया गया तो वहां एक भी अधिकारी अपने केबिन में उपस्थित नहीं मिला। कुछ चपरासी और क्लर्क दिखे, वो भी सोते उठते मिले। जब उनसे अधिकारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब फील्ड में है। कर्मचारियों के कार्यालय समय पर न पहुंचने से सरकारी काम पर असर पड़ने के साथ ही लोग भी परेशान हो रहे हैं। आए दिन सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस से नदारद रहने की खबरें आती रहती हैं। सरकारी कर्मचारियों का ऑफिस से गायब रहना सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। अधिकारियों की इस मनमाने रवैये से तो लगता है अधिकारी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। अभी से कोई नहीं है। कितने बजे आते हैं लोग यहाँ पे? 11 बज रहा है, क्या बजे टाइम है ऑफिस में आने का? तो अभी 11:15 हो रहा है, कब तक आते हैं लोग ऑफिस में? सरक साहब भी नहीं आए हैं? साइड निकल जाते हैं। साइड निकल जाते हैं? साइड ही रहे। तो पहले यहाँ आते हैं कि पहले साइड जाते हैं? काम रहता उधर सर निकल जाते हैं। आने का मैं पूछ रहा हूँ, 11:15 होने जा रहा है, अभी तक यहाँ पर देखिए ये कुर्सियाँ खाली हैं, कब तक आते हैं लोग? 10:30 बजे आ जाते हैं, कुछ काम से गए होंगे साहब, कुछ काम से गए हैं। अच्छा, लोग टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हैं ऑफिस में? मैं कोई जानकारी लेने के लिए अप्लाई करते हूँ। ऐसा तो अपने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि कार्यालय अधीक्षक जी इधर उधर का काम कई जगह का रहता है जी, कहीं यहाँ से ऑफिस, कहीं ज्वाइंट डायरेक्टर, कहीं इनकम टैक्स, कहीं ट्रेजरी, तो अटेंड करते हैं उधर से। सीधी में अब जेसीबी मशीन से नालों की सफाई होगी। इस काम की शुरुआत कलेक्टर अभिषेक सिंह ने जेसीबी से नाला साफ करके की। लोगों ने पहली बार किसी कलेक्टर को जेसीबी मशीन चलाते हुए देखा है। जुझारू किस्म के कलेक्टर अभिषेक सिंह ने खुद जेसीबी चलाकर सीधी में नाले की सफाई का काम शुरू किया। कलेक्टर ने कहा कि यह पहली बार है जब उन्होंने जेसीबी चलाई है। करीब 20 मिनट तक उन्होंने नाले में सफाई की। इस दौरान उनके साथ एसडीएम केपी पांडे, एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज सेवी मौजूद रहे। कलेक्टर के इस अंदाज को देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्होंने पहले कभी किसी अधिकारी को इस तरह जेसीबी चलाते हुए नहीं देखा था। अब जेसीबी द्वारा यहां रोज सफाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको बहरन समाचार। नमस्कार, बहरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूं। मैं हूं जर्जर भोपाली। ओ कल्याण भाई, मौसम तो ऐसा भन्नाट हो रही है, 45 डिग्री पहुंच रही है टेम्परेचर। बता रहा हूँ, अंडा है ना डालो खोपड़ी पे, ऑमलेट बन जाती 2 मिनट में। ऐसा मौसम हो रहा है। वो आज मैं मौसम की खबरों से शुरुआत कर रहा हूँ। ये स्कॉटलैंड में देखो धूप की कमी हो रही है लोगों को। हाँ, वहाँ को विटामिन डी के कैप्सूल लेने पड़ रहे हैं उनको। मैं बता रहा हूँ उनको, टूरिज्म पे यहाँ ले आओ इंडिया में, ऐसे बिलबिला जाएंगे, बताएं ओवरडोज हो रहा है हमारा तो विटामिन डी का। हाँ, ये खबर ये देख लो, सिडनी में है ना जल संकट हो रहा है, वहाँ भी नल है ना खुला छोड़ दो, 26,000 तक का जुर्माना लग रहा है। हमारे यहाँ तो ये पाइप फूटे रहते, नल की बात छोड़ो, भलल भलल करके बेहतर रहता है। मैं बता रहा हूँ पानी की इज्जत करो, आगे है ना कैप्सूलों में मिलेगा पानी, बता रहा हूँ। हाँ, वही राहुल गांधी को देख लो,
ये बहुत अच्छे एक्टर हो गए आजकल। सोनिया गांधी का मेरे पास फोन आया था, उन्हें बोला मेरे को बहुत मैच्योर हो गए हैं, अब ये परिपक्व हो गए हैं, वो नेता बनने के लिए पहले अभिनेता बनना पड़ता है, वो अभी देखो रूठे रूठे फिर रहे हैं, अभी इसको डांट रहे हैं कभी उसको डांट रहे हैं, अध्यक्ष बस इस्तीफा देना चाह रहे हैं। हाँ ये चल रहा है, बता दो मैच्योर हो गए भैया आप। हाँ वही अमित शाह इनको कैलाश विजयवर्गीय को देखो बुलडोजर लेके है ना पश्चिम बंगाल में घुस गए, बता रहे हो ऐसी स्वच्छ भारत अभियान 2 शुरू कर दिया इनने, पश्चिम बंगाल से शुरुआत कर दी, 2 TMC के MLA वो 50-65 तोड़ लिए, अब ममता बनर्जी भुनभुनाती फिर रही है बता रही हूँ। हाँ ये तो चल रहा है, वो आप देखो ये WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने ना ऑफिस में ज़्यादा काम करने को जो थकान होती है उसको बीमारी माना है, उसका नाम दिया उन्होंने वर्न आउट। और मैं बता रहा हूँ देखो बच्चों को यदि 12-12, 14-14 घंटे रगड़ते रहते हो, ये प्राइवेट कंपनियाँ मैं इनको बोल रहा हूँ, मैंने इनको थोड़ा राहत दो बता रही हूँ, ये बर्न आउट हो जाएगा बेचारों को। हाँ ये खबर इधर पे देख लो, जहरीली शराब से 16 लोग मर गए। अब मेरा कहना है कि जो शराब बनाती हैं इनको पहले टेस्ट कराओ, इनके मुंह में ना 2-2 बोटलें ठूसो, तब इनको समझ में आएगा क्या होता है जहरीली शराब बनाना, ये ऐसा तो चल रहा है। और मध्य प्रदेश सरकार तो भैया तबादलों की सरकार हो गई, रोज सुबह खबर आ जाती है तबादला, अब मेरे समझ नहीं आता इनको और कोई काम नहीं बचा गया, ये दूसरा काम भी तो है कि वह तबादला तबादला। और ये खबर ये देख लो, हमारे जो रजनीकांत जी हैं फिल्म स्टार, ये कह रहे हैं मोदी को एक करिश्माई नेता है, मोदी जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं इनकी, बोले नेहरू के समान करिश्माई नेता है। मैं कह रहा हूँ आप तो क्या कम करिश्मे करते हो फिल्मों में, कभी सिगरेट इधर से उछालते हो उधर जाके कान पे आके टिक जाती है, बता रहे हो ये सब तो चल रहा है, ये से वो अभिनेता है, और मैं भी वही आप चला कुछ करिश्मा करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।